हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है। हाजिर हूँ फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। मैं हूँ सैयद अफरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला अफरोज साइंस ट्यूटोरियल। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रिएक्शन या इक्वेशन दो टाइप की होती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन या उसी तरह इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी मुतवाज़न कीमियाई मसावत और गैर मुतवाज़न कीमियाई मसावत। तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसके दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम हो, यानी एटम्स की तादाद अगर सेम हो, तो उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी मुतवाज़न कीमियाई मसावत। लेकिन अगर एटम्स की तादाद रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अगर सेम ना हो, तब उसको बोलेंगे हम इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मींस इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, देन इट इज़ कॉल्ड एज इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों साइड में एटम्स की तादाद सेम ना हो, तो हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक कानून है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होना ज़रूरी है। तो उसी के लिहाज से हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ इक्वेशंस ऑलरेडी मैंने लिखा हूँ, तो देखेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एटम सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसको हम बैलेंस करेंगे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, SO2 गैस प्लस H2S गैस गिव्स सल्फर एंड H2O। SO2 गैस, H2S गैस दोनों मिलकर सल्फर और H2O बना रहे हैं। तो हम चेक करेंगे दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे, पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कौन कौन से आइटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी लिख देंगे हम सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सल्फर कितने हैं देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में दो है। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, दो है। और हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, दो है। उसी तरह इधर देखेंगे, सल्फर कितना है यहाँ पर, एक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, एक है। और हाइड्रोजन कितना है, दो है। तो इससे पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, यानी कि इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल सा एक मेथड है, कोई भी, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में से कोई भी एक ऐसा कंपाउंड लीजिए जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो, जिसमें एटम्स की तादाद ज़्यादा हो। तो देखिए यहाँ पर किसकी, कौन से कंपाउंड में एटम की तादाद ज़्यादा है, तो हम लेंगे यहाँ पर SO2 को ले लेंगे, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है, दो है, जबकि प्रोडक्ट साइड में H2O में एक है। तो हम इसको लेकर बैलेंस करते हैं, SO2 को लेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में SO2 में दो ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन दो होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, दो ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, फोर हाइड्रोजन हो गए। अब रिएक्टेंट साइड में भी चार हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, टू टू ज़ार फोर, यानी दो ज़रब दो चार। लेकिन अब साथ ही साथ हम सल्फ़र को भी देखेंगे कि सल्फ़र कितने हो गए रिएक्टेंट साइड में, दो सल्फ़र और एक सल्फ़र, यानी कि तीन सल्फ़र। अब प्रोडक्ट साइड में भी कितने होना चाहिए सल्फ़र, तीन होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीन से, ठीक है। अब चेक करते हैं दोनों साइड में नंबर ऑफ आइटम सेम है या नहीं है। देखिए सल्फ़र यहाँ पर दो, और यहाँ दो और एक तीन हो गए, यहाँ तीन लिख देंगे हम। के बाद ऑक्सीजन को ले लेंगे, ऑक्सीजन दो यहाँ पर, ठीक है। सल्फ़र यहाँ पर तीन है, तो यहाँ पर भी कितने हो गए सल्फ़र, तीन। ऑक्सीजन को ले लेंगे, यहाँ दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी दो है, यहाँ दो से दो लिख देंगे। इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, फोर हो गए, यहाँ फोर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन फोर, तो यहाँ पर भी हम फोर लिख देंगे।
तो इस तरह से ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे हम। कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी लिख दो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है, एक है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, दो है। और यहाँ पर कितना है, दो और एक तीन है। ठीक है, इतना हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, फोर चार है। जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, दो है। यानी इससे पता चलता है कि रिएक्शन इम्बैलेंस है, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक ऐसे कंपाउंड को लो जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हों। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ले लेंगे। CH4 में चार हाइड्रोजन है, उसी को लेकर बैलेंस करेंगे। यहाँ पर चार हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट साइड में भी कितने होना चाहिए, चार। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन फोर हो गए, टू ज़ार फोर। अब ऑक्सीजन कितने हो गए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दो और ये दो, चार ऑक्सीजन हो गए, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऑक्सीजन चार हो गए। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कार्बन एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है। यानी इस तरह से ये क्या हो गया, चेक कर लेते हैं। यहाँ कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन चार, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो और दो चार। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर चार, हाइड्रोजन यहाँ पर भी चार। यानी इस तरह से ये हो गए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है, ज़रूरी है कि जब भी हम मतलब रिएक्शंस करते हैं और जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उसमें प्रोडक्ट्स का जो भी फॉर्मूला है वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फार्मूला गलत लिख देते हैं बैलेंस करने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस H2। यानी सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्शन करके हमको सोडियम सल्फेट और H2O वाटर देते हैं। तो इसको देखते हैं हम, ये बैलेंस है या इम्बैलेंस है। हाइड्रोजन ले लो, सबसे पहले हम ले लेंगे सोडियम एटम, इधर भी ले लो सोडियम एटम। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे सल्फर एटम, इधर भी ले लो सल्फर एटम। उसके बाद ले लेंगे ऑक्सीजन एटम, इधर भी ले लो ऑक्सीजन एटम। और क्या है, हाइड्रोजन है प्रेजेंट, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। देखिए कौन कितने एटम है यहाँ पर, सोडियम के एटम एक है, प्रोडक्ट साइड में सोडियम के एटम दो है। सल्फर कितना है यहाँ पर, H2SO4 में एक है, यहाँ पर कितना है, Na2SO4 में एक है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, चार और एक पाँच है, फाइव ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर देखिए चार और एक पाँच, पाँच ऑक्सीजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, दो और एक तीन, यहाँ पर लिख देंगे तीन। और यहाँ पर कितना है, दो हाइड्रोजन एटम दो। यानी कि इससे पता चलता है इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसे कंपाउंड को लेंगे जिसमें एटम की तादाद ज़्यादा हो। तो हम लेंगे यहाँ पर सोडियम को लेकर बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ प्रोडक्ट में Na2SO4 में दो सोडियम है जबकि यहाँ पर एक है। अब यहाँ प्रोडक्ट साइड में दो सोडियम है तो यहाँ पर भी दो होना, इसीलिए हम यहाँ पर इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए सोडियम बैलेंस हो गया। लेकिन साथ ही साथ अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन दो हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर दो है ऑलरेडी, ये दो और ये दो चार हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड में भी चार होना, इसके लिए हम यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। हाइड्रोजन फोर हो गए। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे हम, ऑक्सीजन कितने हो गए। ठीक है, दो ऑक्सीजन और चार ऑक्सीजन, सिक्स ऑक्सीजन हो गए प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में भी कितने होने चाहिए, सिक्स। तो यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन और ये फोर ऑक्सीजन, सिक्स हो गए। उसके बाद सल्फर को चेक करते हैं, सल्फर इधर एक है, सल्फर इधर भी एक है। यानी कि इस तरह से लिख देंगे हम यहाँ पर, सोडियम दो हो गए यहाँ पर, दो यहाँ सोडियम दो, सल्फर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। ऑक्सीजन टू प्लस फोर सिक्स है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, फोर प्लस टू सिक्स। उसी तरह हाइड्रोजन एटम कितने अपने पास, यहाँ पर टू प्लस टू फोर, और प्रोडक्ट साइड में टू इंटू फोर, तो प्रोडक्ट साइड में भी फोर हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये हो गए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसी तरह और एक एग्जांपल ले लेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन एंड H2O वाटर। यानी ग्लूकोज को हीट करते हैं तो कार्बन और H2O हमको मिलता है। तो उसको हम देखेंगे, पहले लिख देंगे कौन कौन से आइटम हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, इधर भी ले लेंगे ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है,
तो 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में, 1 ऑक्सीजन कार्बन 6 है यहाँ पर रिएक्टेंट में, और यहाँ पर 1 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 12 है रिएक्टेंट साइड में और यहाँ पर 2 है। इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करेंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक कंपाउंड को, यानी कि अब यहाँ पर एक ही कंपाउंड है, उसमें कौन सा एटम ज़्यादा तादाद में है उसको ले लेंगे हम। हाइड्रोजन को ले लो, 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 6 × 12, ये हाइड्रोजन यहाँ रिएक्टेंट साइड में 12 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गए। अब साथ ही साथ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 6 हो गए, ऑक्सीजन 6, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अभी कार्बन रिएक्टेंट साइड में 6 है, तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो इस तरह से देखिए, कार्बन ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो गए। उसी तरह कार्बन यहाँ पर 6 है, तो कार्बन भी यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए। और हाइड्रोजन 12 है, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। तो इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये एक सिंपल सा आसान सा मेथड, किसी भी रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप भी आसानी से कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। इसी तरह के और भी कई वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।